जहाँ जो सेकुलर कैंडिडेट ज़्यादा ताकतवर हो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर बिलोंग करे, जो ताकतवर हो, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है, अगर वो ज़्यादा ताकतवर है और अच्छे हैं, हम चाहेंगे कि उसी को आवाम पसंद करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से अपना कैंडिडेट वगैरह दे रहे हैं और फिर बोल रहा है उनको निशान चिन्ह भी नहीं मिला, तो इसको किस नज़रिया से पब्लिक देखेगी कि आखिर किसको वो पसंद करेगी, सेकुलर कौन है? देखिए ना, इस सिलसिले में मैंने बात कही है कि ISF के सिलसिले में हमारा अपना स्टडी है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स को या आइडेंटिकल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है और उससे कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स को फ़ायदा मिलता है, इसलिए हमें उनसे बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं है। हम आवाम से कहेंगे कि जिससे कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं मिलता है और यहाँ के सेकुलर पॉलिटिक्स को ताकत मिलता है, आप उन्हीं को चूज़ करने की कोशिश करें और उनको वोट करें। असल में पॉलिटिकल पार्टी तो अपना मंशूर जारी करती हैं, एक मंशूर आवाम का भी होना चाहिए कि आवाम की ज़रूरियात क्या हैं, मग़रबी बंगाल के कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बातें करती हैं लेकिन आवाम का भी अपना कुछ ये होना चाहिए। उसी को सामने रखते हुए जमात इस्लामी ने अवामी मंशूर निकाला है। अक्सर मंशूर जो है ये मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज़ निकालती हैं, लेकिन अवाम के तरफ से एक मंशूर जिसमें वो बातें हों जो अवाम चाहती है, उसको सामने रखते हुए ये मंशूर निकाला गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।